नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में, और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं, उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम बनने के बाद उनका हरिद्वार को छोड़कर यह पहला दौरा है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से उधम सिंह नगर जिले के दौरे पर हैं। वहीं शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री रुद्रपुर पहुंचे तो किसानों ने उनके दौरे का जमकर विरोध किया। किसानों ने काले झंडों के साथ सीएम और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन इस दौरान धामी को काफी ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा। इस रिपोर्ट से आप समझिए। नए नवेले सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को शायद ये रास नहीं आया। यहाँ पुष्कर सिंह धामी को किसानों का काफी विरोध झेलना पड़ा। हालांकि इस मामले में पुलिस किसानों को गिरफ्तार कर गदरपुर भी ले गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने वाले किसान भारतीय किसान यूनियन के चंदूनी ग्रुप के हैं। वहीं रुद्रपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री कार से गांधी पार्क पहुंचे और यहां से शुरुआत हुई सीएम पुष्कर धामी के रोड शो की, जहां रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने सीएम पर फूलों की बारिश के साथ साथ जमकर आतिशबाजी भी की। इस रोड शो में पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, मेयर रामपाल सिंह, पूर्व सांसद बलराज पासी, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, भाजीमो अध्यक्ष कुंदन लटवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो पूरा हो जाने के बाद मुख्यमंत्री ने दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कलेक्ट्रेट में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि सीएम धामी स्टेट प्लेन से शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर यहीं से कार द्वारा रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए। रुद्रपुर में उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कर इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। यहाँ फिलहाल उनका कार्यक्रम 24 जुलाई तक का है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार से पंतनगर रवाना हो गए और पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री एनेक्सी अतिथि गृह में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद विचार परिवार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोमवार और मंगलवार को रुद्रप्रयाग चमोली जनपद का दौरा भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब तक के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित मांडो और कंकराडी गांव का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री ने मांडी गाँव पहुँचकर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी भी ली और आपदा प्रभावितों का हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने आपदा में मृतक लोगों के परिजनों से मिलकर शोकग्रस्त परिजनों को सांत्वना दी और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीणों की मांग पर मांडू गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीएम को निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने डीएम को जल्द से जल्द भू वैज्ञानिक सर्वे कराने के बाद विस्थापना की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मांडो गाँव के बाद मुख्यमंत्री काकराड़ी गाँव पहुँचे। यहाँ उन्होंने मृतक सुमन के परिजनों से मुलाकात की और शोकग्रस्त परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों को आपदा राहत की मद से 4 लाख रुपए के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिए जाने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री का पिथौरागढ़ दौरा खराब मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया। देर रात जनपद पिथौरागढ़ सहित राजधानी देहरादून में भी जमकर बारिश हो रही थी, जिसके चलते उनका यह दौरा स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को शासन के उच्च अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जनपदवार व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने जनपदों के अस्पतालों में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा बच्चों के लिए
पृथक से ऑक्सीजन आईसीयू बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि 31 जुलाई तक इससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। और आज मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, लेकिन यहां पर कई जगह पर पुष्कर सिंह धामी को किसानों का विरोध भी झेलना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो वहीं उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष व 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी नए जोश के साथ सत्ता में वापसी करेगी। इस नए जोश के साथ पार्टी ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके अलावा पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को सौंप दी है। एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता हरीश रावत को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि भुवन कापड़ी, रणजीत रावत, तिलक राज बेहट, जीत काम को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड में 2022 के दंगल से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पिछले करीब एक महीने के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नई सूची जारी कर दी है, जिसके तहत पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस नया अध्यक्ष, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष, जबकि हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। जबकि पूर्व विधायक जीतराम, पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़, पूर्व विधायक रणजीत रावत और भुवन कापड़ी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कांग्रेस में हुए इस बदलाव से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को उम्मीद है कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में जरूर वापसी करेगी। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूं। और जिन साथियों को दायित्व सौंपा गया है, उन तमाम साथियों का और हम सबका दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस के तमाम लोगों को साथ लेकर के 2022 में इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रयास करें। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के हाथों में होगी, लेकिन चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में हरीश रावत के कथ ध्यान में रखकर सांगठनिक और अन्य बदलाव में उनकी राय को तरजीह तो दी है, लेकिन उनके विरोधी समझे जाने वाले दूसरे खेमे के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंप कर चुनाव को लेकर पार्टी की रीति और नीति साफ कर दी गई है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनाव सभी को साथ में लेकर लड़ा जाएगा। वहीं इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस से चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि पार्टी को 5 अध्यक्ष बनाने पड़ गए। उन्होंने कहा कि 11 विधायकों में से सभी के अलग अलग गुट हैं। एक विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार है। ऐसे में पता चलता है कि कांग्रेस कोई भी परिवर्तन कर ले, उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस सेवा नहीं, सिर्फ राजनीति करती है। देखिए, दो चीजें। लोकतंत्र में जिस तरह का जनादेश होता है, उस जनादेश के अनुरूप जनता के सामने विश्वास पैदा करना होता है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने उस विश्वास को खोया है। विपक्ष के तौर पर केवल आपसी कलह, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, ये जनता ने देखा है। पिछले 4 साल में ऐसी परिस्थिति दुनिया और देश के सामने आई जहाँ कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में एक प्रकार की चुनौती खड़ी हुई। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग जनता के साथ लड़ रहे थे। 4.5 साल में विपक्ष के तौर पर इन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में लिया हो, ऐसा जनता ने देखा नहीं है। अब 6 महीने में उन्हीं चेहरों को अदल बदल कर लेकर आना,
ये जनता की समझ से बाहर है और जनता जानती है कि 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में ये तो पूरी तरह फेल है। तो इस प्रकार से जनता की जो मन स्थिति है वो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेगी, आशीर्वाद प्राप्त करेगी। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि बीजेपी को कांग्रेस में हुए इस फेरबदल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बदलाव से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो 5 बनाए या 50 बनाए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से एक बात साबित हो गई है कि कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया है कि उत्तराखंड में उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और एक अध्यक्ष के सहारे वो अपनी चुनावी वैतरणी पार नहीं कर पाती। साथ ही साथ उसने जिस प्रकार से आगामी चुनावी समर के लिए 5 घोड़ों वाला रथ तैयार किया है, वो भी ऐसा रथ जिसमें एक घोड़ा दूसरे को टंगली मार रहा है, उनका क्या भविष्य होगा ये अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से नई घोषणा होने के बाद नया नाराजगी का दौर शुरू हुआ है, वो भी अपने आप में कांग्रेस की पूरी कहानी कह रहा है। कांग्रेस का उत्तराखंड में अब कोई स्कोप बचा नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार वो दहाई की संख्या भी पार नहीं कर पाए। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से पार्टी में संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर कटाक्ष किया। आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली का कहना है कि कांग्रेस के इस फॉर्मूले से भविष्य में बिखराव के संकेत मिल सकते हैं। पार्टी ने नाखुश नेताओं को खुश करने की कोशिश की है जिसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। एक लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सदन संगठन और फील्ड के लिए जो बदलाव किए हैं वो बदलाव पार्टी हित में कम नेताओं के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा किए हैं, क्योंकि नेताओं की अपनी मांग थी, उन सबका तुष्टिकरण करते हुए कांग्रेस ने सबका मुंह बंद करने का प्रयास किया है। इससे आप देखेंगे कि भविष्य में व्यक्तिगत टकराव बढ़ेंगे, व्यक्तित्व का टकराव होगा और इसके अंदर अंतर्कलह और बढ़ेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस बदलाव के साथ ही कांग्रेस की उत्तराखंड टीम में संतुलन बनाने की कोशिश की है। पंजाब के फॉर्मूले को उत्तराखंड में लागू कर नेताओं की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस को इस नए बदलाव से 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई फायदा मिलेगा। क्या पंजाब का फॉर्मूला उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए सही साबित होगा। क्या नव प्रभात और हरीश धामी समेत अन्य नेताओं की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। क्या इतने कम समय में नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पार्टी की नई आप पार लगा पाएंगे। ऐसे अनगिनत सवाल है जिनके जवाब का सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। कैबिनेट मंत्री और मशहूरी विधायक गणेश जोशी ने आज खैरी मानसिंह बाईपास मालदेवता में बीजेपी युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने की अपील भी की। उन्होंने महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुल चावला और उनकी टीम का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कहा जाता है कि महानगर युवा मोर्चा द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है जिससे पर्यावरण संरक्षित तो होता ही है और साथ ही साथ क्षेत्र में हरियाली भी आती है। उन्होंने बताया कि हरेला पर्व के चलते संगठन ने 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है और इसी क्रम में यह कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कहा जाता है एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के अंधाधुंध कटान के कारण बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करने की अपील की। तो हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण किया गया है। आपको बता दें एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने जैसा है, ऐसा वहां बताया गया। हरेला पर्व के चलते पूरा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और साथ ही इस पर भी सवाल उठाए गए कि जिस तरीके से पेड़ों का कटान किया जा रहा है उसके चलते
जो भूस्खलन, बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण लगातार किया जाना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ को लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने जैसा होता है। साथ ही जो उन्होंने बात कही ध्यान देने योग्य, उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, बाढ़, भूस्खलन, ये सब उसी कारण आती है जिस तरीके से हम अंधाधुंध पेड़ों का कटान करते हैं। तो एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने बराबर, और साथ ही आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस बीच बहुत सारे लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान वहाँ कई छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे और सभी ने वृक्षारोपण का संदेश भी दिया है। देखिए, आज शहीदों की याद में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, और हमने हरेले पर्व पर यह लक्ष्य रखा था कि हम 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे। उसी श्रृंखला में कार्यक्रम चल रहा है, और कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है, क्योंकि अंधाधुंध कटान से जो हमारा भ्रमण संतुलन बिगड़ रहा है, आज जो बादल फट रहे हैं या घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण यह है कि लगातार अंधाधुंध कटान हो रहा है। ऐसे में वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर मैं अपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष अंतुल चावला जी, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम शहीदों की याद में किया, और इस बहाने उन शहीदों के नाम पर पौधे लगाए। ये भी एक सराहनीय कार्य है, जिसके लिए मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धनौरी की रतमऊ नदी में एक बावंदरे में एक अज्ञात किशोर का शव पानी में तैरता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गुरुवार को रतमऊ नदी में बावंदरों के पास नग्न अवस्था में एक अज्ञात किशोर का शव पानी में तैर रहा था। जब कुछ लोग वहां गए तो उन्हें नदी में शव तैरता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला और आसपास मौजूद लोगों की मदद से शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं धनौरी चौकी प्रभारी लक्ष्मी बिजवान ने बताया कि किशोर के शव को नदी से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल में मॉर्चरी में रखवा दिया है और शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। तो नदी में तैरता हुआ मिला है यह अज्ञात किशोर का शव। आपको बता दें कि अज्ञात किशोर का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई, और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। साथ ही किशोर का शव मिला है, नग्न अवस्था में मिला है, अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो सका है, साथ ही शव की पहचान भी नहीं की जा सकी है। शव जो था तैरता हुआ मिला था, इसके साथ बाद में पुलिस ने शव की पहचान करने की कोशिश की, शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। हरिद्वार के रानीपुर की सुमन नगर चौकी पुलिस ने चोरी के सामान सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली रानीपुर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि गढ़मीरपुर में बने एक चरखी कोलू से चोरी किए गए उपकरणों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों से की गई पूछताछ में उन्होंने अपने नाम इनाम साबिर उर्फ सोनू निवासी गढ़मीरपुर व समीम मुल्ला निवासी गढ़मीरपुर बताया है, जबकि शहजाद नामक इनका एक अन्य साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। हरिद्वार के बहादराबाद के मरगूबपुर में मामूली झगड़े के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मरगूब पुल पर निवासी कुछ युवकों की बुड्ढा हेड़ी निवासी युवकों के साथ 3 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी, उस समय तो मामला शांत हो गया था, लेकिन आज बुड्ढा हेड़ी के युक्त युवकों ने मरगूब पुल पर निवासी सोएब को घर से बुलाया और उसके साथ जमकर मारपीट की और उसके सीने में गोली मार दी। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीण शोएब को घायल अवस्था में बहेड़ी स्थित एक अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बहादराबाद थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया है कि यह आपस की गुटबाजी है, आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लालकुआ के नारायणपुरम कॉलोनी में एक युवक का शव पंखे से लटकता हुआ मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
घटना का पता तब चला जब आसपास के लोगों को घर से दुर्गंध आई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे कोतवाल संजय कुमार ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। मृतक का नाम भुवन भट्ट बताया जा रहा है। वहीं मृतक की पत्नी का नाम नीमा भट्ट है, जो उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है। मृतक का एक 14 साल का बेटा भी है। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शव कई दिन पुराना है। लोगों की माने तो मृतक भुवन बेरोजगार था, जिसकी वजह से वह तनाव में रहता था और इसी के चलते उसने यह कदम उठाया है। वहीं इस पूरे मामले में कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मृतक की मौत कैसे हुई है, इसकी हर तरह से जांच की जा रही है। कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कहा कि हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन कांग्रेस के हैं और अब वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। तिलक राज बेहड़ ने कहा कि आज देश का किसान परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है, महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, ऐसे में भाजपा का पतन तय है। उन्होंने प्रदेश में नजूल भूमि का मुद्दा हल ना होने को भी सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी और भाजपा की कथनी और करनी में क्या अंतर हो वो जनता के सामने रखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।